2008 में आई अवतार मूवी 21,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पे पूरा तहलका मचा के रख दिया था। अब वही मूवी पूरे 13 साल के बाद फिर से लौट आई है बिल्कुल एक नए अंदाज में, जहाँ पेंडोरा की दुनिया को 4D टेक्नोलॉजी में दिखाया जाएगा और इसके VFX भी पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अवतार 2 यानी कि द वे ऑफ द वॉटर इस साल 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। इस मूवी के डायरेक्टर का कहना है, हम पहले अवतार में हम बड़े पर्दे की सीमाओं को तोड़ के आगे निकले थे और अब अवतार 2 में हम फिर से टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। 2000 करोड़ के लागत से बनी ये मूवी 50,000 करोड़ कमा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अवतार 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन पाएगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप जानते हैं इस दुनिया को चलाने वाले का नाम है शिवा, जिन्हें हम डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, जो नई दुनिया बनाने के लिए पुरानी दुनिया खत्म भी कर सकते हैं। तो आप बताइए, शिवा विलन हुए या हीरो? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सितंबर में रिलीज होने वाली मूवी ब्रह्मास्त्र, जिसे कई सालों पहले लिखा जा चुका है लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये मूवी इंडियन सिनेमा को बदल सकती है हमेशा हमेशा के लिए। इस मूवी के ट्रेलर में इस तरह का VFX बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार दिखाया गया है, जिसमें अमिताभ आप सर इस दुनिया के रखवाले बने हैं। अग्नि थीम को काफी एक्साइटमेंट तरीके से रणवीर कपूर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं जो ईविल है यानी विलन, उन्हें पावर दी गई है रेड लाइट की। वहीं दूसरी तरफ सेवियर को पावर दी गई है ब्लू लाइट की, लेकिन रणवीर के सीन में दोनों लाइट दिखाया गया है यानी अच्छाई और बुराई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। आप भी शिव के भक्त वीडियो को लाइक कर लें। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, दुनिया के लिए जो मिस्त्री है वो है हम इंडियन की हिस्ट्री। जी मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु। जी राम सेतु वही पुल है जो भगवान श्री राम के नाम से बना था, जिस पुल को पार करके भगवान श्री राम सीता माता को लेने श्रीलंका गए थे। जी राम सेतु एक ऐसा पुल है जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है या नहीं। टीजर में अक्षय कुमार बोलते हैं, राम सेतु को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, यानी इससे तो साफ पता चल रहा है राम सेतु पुल के ऊपर कोई खतरा वाला है। फिल्म में वॉर, एडवेंचर और टेररिज्म देखने को खूब मिलेगा। तो दोस्तों, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान एक बार फिर से जवान मूवी के धमाकेदार इंटीजर के साथ लौट आए हैं। शाहरुख खान का पैन इंडिया प्रोजेक्ट जवान, इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और एक इसका छोटा सा इंटीजर भी आया है। टीजर में शाहरुख खान का लुक देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा तोड़फोड़ वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। और इंटीजर के एंड में शाहरुख खान वाली हंसी, जिसमें मजाक जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डर छिपा है। ये तो फिल्म का एक टीजर है, लेकिन रियलिटी में इस फिल्म की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं तमिल सिनेमा के फेमस डायरेक्टर एटली कुमार, जिन्होंने बहुत सी सुपर मूवी की है। शाहरुख खान का सबसे अलग और नया अवतार कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप भी शाहरुख खान के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर लें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। गाइस, क्या आप जानते हो इंडिया में लॉन्च होने वाली एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नमनी इफेक्ट। ये फिल्म पूरी तरीके से बेस्ड है इंडिया के रॉकेट साइंटिस्ट नमवीर नारायण के ऊपर। नासा को तो आप जानते होंगे, वहां तक पहुंचना दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन नमवीर नारायण एक ऐसे शख्स थे जिसने नासा का भी ऑफर ठुकरा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसों से ज्यादा जरूरी देश के लिए देखा गया सपना लग रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ, इस साइंटिस्ट को देश से गद्दारी करते हुए पकड़ा गया और इन्हें पुलिस के डंडों से पीटते हुए इन्हें जेल तक ले जाया गया। आपको क्या लगता है, इन सारे सवालों के जवाब 30 साल के बाद बनी रॉकेटरी फिल्म में मिलेगी? और फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माधवन जो कि इस फिल्म के लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। आप भी रॉकेट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका सालों से इंतजार कर रहे थे बॉलीवुड के फैन। आप भी आमिर खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल सिंह चड्ढा ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी को बताया गया है। ये तो आप जानते होंगे, लाल सिंह चड्ढा रीमेक है हॉलीवुड की फेमस फिल्म फॉरेस्ट गम का ही हिंदी वर्जन मार्केट में उतारा गया है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा सीन टू सीन छापने वाली सस्ती
एडेप्टेशन नहीं है। वहीं ये फिल्म सिर्फ मोटिवेशनल नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ रियल इंसिडेंट को रिक्रिएट किया गया है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन अपने देश के पॉलिटिक्स से है। वैसे आमिर खान की ये पंजाबी कैरेक्टर काफी हटके है। लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार का अनाउंसमेंट डेट आ चुका है और सलार का टीजर देख के ये लग रहा है ये फिल्म इतने धमाकेदार होगी कि केजीएफ और पुष्पा जैसे मूवी को पीछे छोड़ देगी। इस मूवी की रिलीज डेट 2023 के सितंबर महीने में है। और तो और सलार का पोस्टर देख के ये ऐसा लग रहा है दिमाग चले न चले लेकिन हाथ पर सबसे ज्यादा चलेंगे। क्या आप भी प्रभास के फैन हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। रणवीर कपूर की फिल्म सनसेरा का अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले हुआ था और अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि संजय दत्त इस फिल्म में इविल का साथ दे रहे हैं। वहीं रणवीर कपूर का इस फिल्म में लुटेरे का गेटअप काफी यूनिक लग रहा। इस तरह की डाकू वाली फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी टाइम बाद आया। सनसेरा के ट्रेलर को देख के ये लग रहा अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल देगा। सनसेरा में तोड़फोड़ वाला कैरेक्टर काफी हटके है जो कि इस फिल्म को और फिल्मों से अलग बनाती। ट्रेलर में संजय दत्त इस फिल्म के सबसे बड़े इंस्पेक्टर हैं। वहीं रणवीर कपूर ट्रेलर में ये बंदा अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर में प्रेजेंट कर रहा और इनका एक्शन वाला अवतार काफी भयानक लग रहा। रणवीर का डबल रोल वाला कैरेक्टर काफी शॉकिंग है। जो ये दमदार डायलॉग बोल रहे हैं डाकू लुटेरा वाला इनके ऊपर काफी सूट कर रहा। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी रणवीर कपूर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार का फैन देखिए कैसे 900 किलोमीटर पैदल चल के अक्षय कुमार से मिलने आया। ये लड़का लगातार पिछले 18 दिनों से पैदल चल रहा था। सुनिए इस लड़के को अक्षय कुमार ने क्या कहा। कहाँ से आए तुम? मैं द्वारिका से। और कैसा आया? चल के आए? बस चल के आए। चल के क्यों आए? चल के मैं फिट हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। कितना दिन चल रहा? कितना दिन लगा? 18 दिन हुआ। 18 दिन से चला? कितना किलोमीटर चला? 900 किलोमीटर द्वारिका से? वहाँ से 18 दिन में? तो दिन में कितना किलोमीटर? 55। आज तो मैं रात में भी चला था क्योंकि आप संडे तक मिलना था आपको। तो आपको मालूम था संडे को घर पे? आप पता है आपका फैन हूँ, सब पता है। अच्छा, इसीलिए मैं आज आ गया। इस लड़के के लिए एक लाइक जरूर करें और आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से सभी शॉक्ड हैं, चाहे देश हो या विदेश, हर जगह उनके चाहने वाले लोग उदास हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने मात्र 29 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया था जो लोगों को पाने में पूरा जीवन निकल जाता। सिद्धू मूसेवाला अपना करियर एक लिरिकल राइटर के तौर पे शुरू किया था और इन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा था। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का पहला गाना जी वगन के जरिए अपने सिंगिंग करियर को शुरुआत करते नजर आए थे। इनको सबसे ज्यादा पहचान फेमस गाना सो हाईजैक से मिली थी जिसे पूरी दुनिया में काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था और ये रातों रात एक चमत्कार सितारा बन गए। दोस्तों, भले ही आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच जिंदा ना हो लेकिन उनकी वो आवाज और हिट गाने हमेशा जिंदा रहेंगे। चेस्ट एंड पीस सिद्धू मूसेवाला। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आर्या के फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है और किस पे बेस्ड है गजब की जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैप्टन ये एक ऐसी फिल्म है जो हॉलीवुड फिल्मों से कंपेयर कर रहा, जैसा कि आप लोगों ने मार्वल और स्पेसशिप वाली मूवी तो देखी होगी। ठीक वैसे ही कैप्टन फिल्म के ट्रेलर में इंडियन आर्मी वर्सेस एलियन दिखाया गया है। वैसे कैप्टन तो एक आर्मी फिल्म है तो मार धाड़ तो होगा ही, लेकिन सामने चाइना और पाकिस्तान दुश्मन ना होकर कोई एलियन रहे ये काफी शॉकिंग है। आपको क्या लगता है ये फिल्म चलेगी या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें।